बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेसिकली इस चैप्टर का मकसद यह है कि ताकि आपको कुछ चीज़ों को पता लगे, और आईटी की फील्ड में अगर रहते हुए आप लोग देखें तो काफ़ी चीज़ें जो कि हमें पता नहीं लगती, समझ नहीं आती, लेकिन हम लोग फ्यूचर में फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। तो इस चैप्टर का मकसद ये है कि आपको थोड़ा आइडिया दिया जाए कि कॉपी राइट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क क्या होता है, डिफरेंट चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? बेसिकली इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब वर्क्स ऑफ द माइंड सच एज आर्ट, बुक्स, फिल्म, फार्मूलाज, इन्वेंशन, म्यूजिक प्रोसेस डेट आर डिस्टिंक्ट एंड ऑन और क्रिएटेड बाय अ सिंगल पर्सन एंड ग्रुप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपी राइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेड सीक्रेट लॉस। देखो, आपने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, यानी वो क्या है, आपके माइंड ने एक चीज़ डिज़ाइन की है, आप ही क्रिएट हुए, आप हैं या आपके दोस्त हैं, ग्रुप है एक बाकायदा, यानी वो चीज़ किसकी ओनरशिप है? आपकी ओनरशिप है, आपकी इन्वेंशन है। कोई फार्मूला हो गया केमिकल, जिस तरह मेडिसन्स के होते हैं, फिल्म हो गई है, बुक्स है, यानी वो आपकी प्रॉपर्टी है। That is your intellectual property, क्योंकि आपके माइंड ने वो चीज़ तैयार की थी। अब वो चीज़ें प्रोटेक्ट कौन करते हैं? कॉपी राइट्स करते हैं, पेटेंट्स करते हैं, ट्रेड सीक्रेट लॉस करते हैं। अब देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कैंडी क्रश गेम थी, कैंडी क्रश गेम को देखते थे कई गेम्स आ गई हैं, कलर थीम चेंज करिए, कॉन्सेप्ट बैक एंड पे वही है। अब देखो इन चीज़ों को ना, अब जब आईटी में बात करते हैं ना, जब साइबर क्राइम्स की बात करते हैं, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें इनोवेशन इसी वजह से इतनी ज़्यादा आ रही है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको कॉन्टीन्यूसली नई नई चीज़ें लानी पड़ती हैं ताकि आप मार्केट में सर्वाइव कर सकें। हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले कॉपी राइट है। देखो, कॉपी राइट इज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले, परफॉर्म और प्रोड्यूस एन ओरिजिनल वर्क इन कॉपीज और टू प्रिपेयर डेरिवेटिव वर्क बेस्ड ऑन द वर्क। कॉपी राइट प्रोटेक्शन इज गारंटी टू द क्रिएटर ऑफ द ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप इन एनी टेंजिबल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन नाउन और लेटर डिवेलप्ड फ्रॉम विच दे कैन बी परसीव्ड, रिप्रोड्यूस और अदरवाइज कम्युनिकेटेड आर एट डायरेक्टली और विद द एड ऑफ अ मशीन और डिवाइस। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक अक्सर आप लोग देखते होंगे ना, बुक्स के नीचे लिखी होती है एक चीज़, कॉपीराइट प्रोटेक्शन। इवन आपकी अपनी बुक की अगर बात करें तो उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है ना। देखें, आप लोगों की बुक्स पे लिखा हुआ है कॉपीराइट 2014, सेंसेज लर्निंग, ऑल राइट रिजर्व्ड, may not be copied, scanned or duplicated in whole or in part। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना इस पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। तो ये कॉपी राइट सीनेज लर्निंग 2014 की है, ये आपकी बेसिकली देखो सेकेंड पेज है, उस पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। क्लियर हुई है बात? तो बेसिकली हम लोग देख रहे थे कॉपी। अब देखो, द ऑथर मे ग्रांट दिस एक्सक्लूजन राइट टू अदर्स एज न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन डेवलप, दे कैन अवॉइड कॉपीराइट प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल, द कॉपीराइट एक्ट 1976, ऑडियो विजुअल वर्क वर गिवन प्रोटेक्शन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर वर असाइंड टू द लिटरेरी वर्क कैटेगरी। कि उसमें देखो आप, यानी उन्होंने कहा कि आप लिटरेचर के काम के लिए चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो, हर प्लेस रिसर्च में हम लोग अक्सर रेफरेंसेज वगैरह देते हैं, तो वो चीज़ें सारी आपकी कॉपीराइट्स में आ जाती हैं। अब देखो, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या है? इज़ अ वायलेशन। लेट्स सपोज, जैसे बुक मैंने आपको देखा, उस पर लिखा है कि ये स्कैन नहीं हो सकती, कॉपी नहीं हो सकती, होल में भी, पार्ट में भी, यानी सिंगल एक पेज भी, तो ये क्या है? इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट सिक्योर्ड बाय द ओनर। इन्फ्रिंजमेंट अकर्स व्हेन समवन कॉपीज अ सब्सटेंशियल और मटीरियल पार्ट ऑफ एनी कॉपीराइटेड वर्क विदाउट परमिशन। परमिशन लेके कर सकते हो, विदाउट परमिशन नहीं कर सकते। अब कोर्ट की डिस्क्रिमिनेशन है, $200 से लेके $1,00,000 तक फाइन होते हैं। US में केसेस हुए हैं जो फाइन देने पड़े हैं। अगली चीज़ आती है एलिजिबल वर्क। देखो, द टाइप ऑफ वर्क डेट कैन बी कॉपी राइटेड इंक्लूड आर्किटेक्चर, आर्ट, ऑडियो विजुअल वर्क, वीडियोज वगैरह होती हैं, कोरियोग्राफी, ड्रामा, ग्राफिक लिटरेचर,
मोशन पिक्चर, म्यूजिक, फैंटोमाइम्स, पिक्चर्स, कपल्चर्स, साउंड रिकॉर्डिंग, अदर इंटेलेक्चुअल वर्क आई डिस्क्राइब इन टाइटल 17 ऑफ द यूएस कोड. टू बी एलिजिबल फॉर अ कॉपीराइट, अ वर्क मस्ट फॉल विद इन वन ऑफ द प्रोसीडिंग कैटेगरी एंड इट मस्ट बी ओरिजिनल. यानी आप चाहते हो कि आपका वर्क कॉपीराइट हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो डैट वर्क शुड बी एलिजिबल, जिसमें हम कहते हैं एलिजिबिलिटी, आप एडमिशन ले सकते हो, जॉब कर सकते हो, इस तरह वो काम भी एलिजिबल हो. वो एलिजिबल काम क्या इन कैटेगरीज में फॉल करता हो, ठीक है, इन कैटेगरीज में फॉल करता हो तब वो एलिजिबल वर्क है. देखो, कॉपीराइट लॉज हैज प्रूवन टू बी एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल इन कवरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम, मल्टीमीडिया वर्क, वेब पेजेस कैन ऑल बी प्रोटेक्टेड. फ्लेक्सिबिलिटी आप सारे प्रोटेक्ट कर सकते हो. हाउएवर, वैल्यूएटिंग द ओरिजिनैलिटी ऑफ अ वर्क इज नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, एंड डिसएग्रीमेंट ओवर वेदर और नॉट अ वर्क इज ओरिजिनली समटाइम्स लीड टू लिटिगेशन. देखो, आपने फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट बनाई है, आपने थीम यूज़ किया, वर्डप्रेस यूज़ किया, आपने बना लिया है, तो योर बंदा भी सेम वही चीज़ बना लेता है. ऑफकोर्स अब उसमें ओरिजिनैलिटी ऑफ वर्क देखना पड़ेगा किसका है. देखो, अमूमन क्या डेट होती है, अमूमन हम लोग जैसे आपको डिफरेंट नज़र आते होंगे, चाय खाना जैसे एक ब्रांड नेम है रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा ना, कोई और बंदा ओपन करके वो रजिस्टर्ड करवा लेगा तो उसके राइट्स हो जाएंगे फिर. तो ये चीज़ें हमें सारी देखनी पड़ती हैं इसके अंदर. फिर इसमें कॉपीराइट में होता है फेयर यूज डॉक्ट्राइन. डॉक्ट्राइन अब लॉ की टर्म है बेसिकली डॉक्ट्राइन ना. देखो, कॉपीराइट लॉ ट्राइज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग एंड ऑथर्स राइट, एनेबलिंग पब्लिक एक्सेस टू कॉपीराइटेड वर्क. देखो, हमने कॉपीराइट दिया है, हमने प्रोटेक्शन दी है, लेकिन उसमें क्या कि पब्लिक एक्सेस कर सकती है उसको अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए. देखो, द फेयर यूज डॉक्ट्राइन वर डेवलप ओवर द ईयर कोड वर्क टू मेंटेन दैट बैलेंस. द फेयर यूज डॉक्ट्राइन अलाउ पोर्शंस ऑफ कॉपीराइट मेटेरियल टू बी यूज विदाउट परमिशन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. देखो, हम जैसे लिटरेचर होता है, लिटरेचर हम लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें डिफरेंट हम रेफरेंसेस देते हैं, साइड करते हैं, वो क्या फेयर यूज डॉक्ट्राइन में आ गया कि आप चीज़ों को फेयरली यूज़ कर सकते हैं, उनके परमिशन ले भी सकते हैं, परमिशन के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट है, उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते. अब देखो, सॉफ्टवेयर की बात आती है. देखो, फॉर एग्जाम्पल, टू सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर कुड कंसिवली डेवलप सेपरेट बट नियर आइडेंटिकल प्रोग्राम्स फॉर अ सिंपल गेम सच एज टिक टैक टो विदाउट इन्फ्रिंजिंग द अदर्स कॉपीराइट. अब दो सेम चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कह लो डिफरेंसेस होते हैं ताकि वो एक कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल सके. देखो, अब टू प्रूव इन्फ्रिंजमेंट अ कॉपीराइट होल्डर मस्ट शो अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस बिटवीन इट्स सॉफ्टवेयर. यानी आप अगर कहते हो कि मेरी वेबसाइट कॉपी हुई है, तो आपको वो चीज़ें जाके बतानी पड़ेगी कि ये सेम चीज़ है जो मेरी वेबसाइट उठाई गई है, ये कॉन्टेंट है जो मेरी वेबसाइट से उठाया गया, ये पिक्चर है जो मेरी थी मेरी वेबसाइट से उठाई गई है. आप लोग देखो, कई वेबसाइट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उन वेबसाइट्स में मेन एम क्या है, थीम क्या है, कि वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, फ्री पिक्चर्स फ्री ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, लेकिन कई प्रोफेशनल हैं वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए. वो यानी आप परचेज़ करके उसका कॉपीराइट परचेज करते हो कि उस चीज़ को आप अपने लिए यूटिलाइज कर रहे हो. अब इसमें देखो, द प्रोटेक्शन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रो आईपी एक्ट ऑफ 2008 क्या कह रहा है, इंक्रीज ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन एंड सब्सटेंशियली इंक्रीज पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट. उसका बेसिकली फोकस क्या है कि आप कॉपीराइट ट्रेडमार्क को इंक्रीज करो और पेनल्टीज भी क्या कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ 10 सॉन्ग्स एल्बम वॉज रेज फ्रॉम $7,500 टू $1.5 million. कि अगर 10 सॉन्ग के एल्बम पे कोई करता है, अपने नाम से शो करता है, तो उस पर यहाँ तक ये लिमिटेशन ने बढ़ा दी है फाइन की. अच्छा, उसके बाद देखो, आपके जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, गैट है. अब देखो, वाज अ मल्टी लिटरल एग्रीमेंट गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड्स. अब बेसिकली देर आर सेवन राउंड ऑफ नेगोशिएशन रिलेटिंग वेरियस ट्रेड इशूज. जब आपकी कॉपी राइट्स की वायलेशन होती है, इंटरनेशनल लेवल पर होती है, डिफरेंट कंट्रीज में होती है, तब आपके ये एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे जाके बकायदा आपकी हेयरिंग हो सकती है, WTO के अंडर काम कर रहा है.
देखो यूरो के राउंड कंप्लीटेड इन दिसंबर 1993 रिजल्टिंग इन अ ट्रेड एग्रीमेंट अमंग 117 कंट्रीज. दिस एग्रीमेंट वाज आल्सो क्रिएटेड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा. तो ये नहीं कि आप लोकली या आप इंटरनेशनली भी WTO के थ्रू जाके बात कर सकते हो, क्योंकि ये एक ट्रेड एंड टैरिफ एग्रीमेंट हुआ हुआ कंट्रीज के. कॉपीराइट वॉयलेशन नहीं होगी ना, दूसरे कंट्रीज किसी कंट्री के इंडिविजुअल की कुछ चीज़ कॉपीराइट करेंगे. उसके बाद देखो नेक्स्ट इसी चीज़ को आगे एक्सटेंड किया गया कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है. स्विट्जरलैंड एंड हैड 158 नेशन मेंबर्स हैं एज ऑफ फरवरी 2015. द गोल ऑफ WTO टू प्रोड्यूस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर कंडक्ट देयर बिजनेस. देखो मकसद क्या है इसका बेसिकली ना, ताकि बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर गुड और सर्विस का इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है वो अपना बिजनेस स्मूथली कंडक्ट कर सकें. अब देखो इसके मतलब जो ट्रिप्स एग्रीमेंट इनका हुआ है इसके इनके अकॉर्डिंगली कॉपीराइट पेटेंट ट्रेड सीक्रेट्स हैं क्या. देखो कंप्यूटर प्रोग्राम आर प्रोटेक्टेड एज लिटरेरी वर्क. ऑथर्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड प्रोड्यूसर और साउंड रिकॉर्डिंग्स हैव द राइट टू प्रोहिबिट द कमर्शियल रेंटल ऑफ देयर वर्क टू द पब्लिक. देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो यूट्यूब वालों ने इस तरह किया हुआ है कि किसी ने वीडियो लगाई भी है, कोई क्लेम करे कि जी मेरी वीडियो है, मैंने बनाई थी तो इसने मेरी वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो क्या हिट बैक पड़ जाती है, चैनल इवन बैन कर दिया जाता है. तो इस तरह पेटेंट प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर एनी इन्वेंशन वेदर अ प्रोडक्ट और प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. यानी आपको हार्डवेयर बनाते हो, कोई ऐसी चीज़ बनाते हो, तो वो उसमें भी आपको पेटेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं. ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, देखो हर बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं. ये अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन डेट हैव कमर्शियल वैल्यू, जिसकी ऑफ कोर्स कमर्शियल वैल्यू होती है. जैसे कंपनीज के क्लाइंट्स होते हैं, वो उनके ट्रेड सीक्रेट्स हैं जिनसे वो पैसे वगैरह अर्न कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली समरी है कि कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेड सीक्रेट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारी बात ही पेटेंट्स पे हो रही है. देखो अ पेटेंट इज़ अ ग्रांट ऑफ अ प्रॉपर्टी राइट इज इशूड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस टू एन इन्वेंटर. इन्वेंटर मीन्स जो बंदा इन्वेंशन करता है. अ पेटेंट परमिट्स इट्स ओनर टू एक्सक्लूड द पब्लिक फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग अ प्रोटेक्टेड इन्वेंशन एंड इट अलाउज फॉर लीगल एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर्स. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ बनाई है, आपने उसके पेटेंट्स ले लिए, यानी कोई और बंदा ना उसको इस्तेमाल कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना उसको यूज़ कर सकता है. अगर करेगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा. देखो अनलाइक अ कॉपीराइट अ पेटेंट प्रिवेंट्स इंडिपेंडेंट क्रिएशन एज वेल एज कॉपिंग. यानी आप एक इंडिपेंडेंट क्रिएशन की या फिर उसकी कॉपीज भी बना सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, आप उसकी फर्दर आगे कॉपीज बना सकते हो अगर आपने बनाई है तो. इवन इफ समवन एल्स इन्वेंट्स द सेम आइटम इंडिपेंडेंटली एंड विद नो प्रायर नॉलेज ऑफ द पेटेंट होल्डर इन्वेंशन, द सेकंड इन्वेंटर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूजिंग द पेटेंट डिवाइस विदाउट परमिशन ऑफ द ओरिजिनल पेटेंट होल्डर. देखो इसलिए कहते हैं कि रजिस्टर्ड करवाना चीज़ ज़रूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ मैंने बनाई है, वही चीज़ दूसरे बंदे बनाई है, सेम चीज़ें मांगी, आइडियाज़ हो सकते हैं, देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. उसमें ये सेम हो सकती हैं, लेकिन अगर लेट्स सपोज पहले वाले ने रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, मैं बना लेता हूँ और लॉ क्या कहता है, मैं भी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन. देखो द राइट ऑफ द पेटेंट आर वैलिड इन द यूनाइटेड स्टेट्स टेरिटरीज एंड पोजेशन. फिगर 6 शो द नंबर ऑफ पेटेंट्स ग्रांटेड इन रिसेंट ईयर्स. अब देखो एप्लीकेशंस कितनी आ रही हैं, ये एप्लीकेशन कब आ रहा है और पेटेंट्स कितने मिल रहे हैं. अब ये रिजेक्शन रेट क्यों है, क्योंकि कई लोग दूसरों का काम अपना काम शो करके करते हैं, जो कि बाद में फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं. तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. अब देखो आईटी ऑर्गेनाइजेशन डेट सी द मोस्ट पेटेंट्स इन 2012. IBM ने सबसे ज़्यादा लिए हैं, फिर सैमसंग है, फिर आपका कैनन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एप्पल है. तो ये डिफरेंट कंपनीज हैं जिनको 2012 में 2012 में इन्होंने डिफरेंट पेटेंट्स लिए हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनकी आई थी. देखो सैमसंग का जैसे डिफरेंट आइटम्स हैं, ओवन भी है, एसी भी है, कैनन के कैमरे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, गूगल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल की हैं. तो इवन हर प्रोडक्ट का वो क्या है, पेटेंट्स बाकायदा लेते हैं.
फिर हमारे पास आते हैं ट्रेड सीक्रेट। देखो ट्रेड सीक्रेट्स होती है अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। एवरी बिजनेस हैव ट्रेड सीक्रेट्स। उसको चोरी करना, उसका मिसयूज करना, डेट इज़ अ वॉयलेशन ऑफ द लॉ। देखो ट्रेड सीक्रेट वर डिफाइंड एट बिजनेस इन्फॉर्मेशन डेट रिप्रेजेंट समथिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, हैज़ रिक्वायर्ड एफर्ट और कॉस्ट टू डेवलप, हैज़ सम डिग्री ऑफ यूनिकनेस और नोवेल्टी इन जनरली अननोन टू द पब्लिक एंड इज कैप्ट कॉन्फिडेंशियल। देखो वकील जब भी केस लड़ता है ना, उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसका सीक्रेट होता है, वो कभी भी रिवील नहीं करते हैं चीज़ों को। इसी तरह आपने कोई कोडिंग की है, वो आपका ट्रेड सीक्रेट है। अब देखो ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन बिगिंस बाय आइडेंटिफाइंग ऑल द इंफॉर्मेशन डेट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड पेटेंट एप्लीकेशन टू मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस प्लान, डेवलपिंग अ कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर कीपिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योर। आपको बेसिकली जो हमारा पहली ड्यूटी है कि हम चीज़ को सिक्योर करेंगे, बाकायदा स्ट्रेटजी बनाएं जिसके अकॉर्डिंगली हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। अब देखो ट्रेड सीक्रेट लॉट्स प्रोटेक्ट्स ओनली अगेंस्ट अ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। इफ कंपेटिटर्स कम अप विद द सेम आइडिया ऑन देयर ओन, इट इज़ नॉट मिस अप्रोप्रिएशन। इन अदर वर्ड्स द लॉ डज नॉट प्रिवेंट समवन फ्रॉम यूजिंग द सेम आइडिया इफ इट वॉज डिवेलप इंडिपेंडेंटली। अब देखो यहाँ पे लूप होल आता है। मैंने एक चीज़ बनाई है, मेरा ट्रेड सीक्रेट था। लेट्स सपोज किसी बंदे ने वो चोरी की है, वो कहता है कि मेरा ट्रेड सीक्रेट है। अब लॉ कहता है ट्रेड सीक्रेट कोई बंदा इंडिपेंडेंटली कर रहा है तो ठीक है, अगर लेट्स सपोज उसने चोरी की तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा उसका चोरी है। तो ये चीज़ें होती हैं कि लूप होल्स हैं इसके अंदर भी, लेकिन फिर भी हमें अपनी सिक्योरिटी करनी चाहिए क्या कि हम उसको मैक्सिमम लेवल तक प्रिवेंट कर सकें। फिर देखो ट्रेड सीक्रेट लॉज क्या कह रहे हैं कि वेरीज, हर कंट्री की डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल फिलीपींस प्रोवाइड नो लीगल प्रोटेक्शन फॉर ट्रेड सीक्रेट्स। इन सम यूरोपियन कंट्रीज फार्मास्यूटिकल मेथड ऑफ मेडिकल डायग्नोजिंग एंड ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी पेटेंटेड। मैनी एशियन कंट्रीज रिक्वायर फॉरन कॉरपोरेशन ऑपरेटिंग देयर टू ट्रांसफर राइट्स टू देयर टेक्नोलॉजी टू लोकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। Coca-Cola reopened its operation in India in 1993 after halting sales for 16 years to protect the secret formula for its soft drink, even though India's vast population represented a huge potential market. Yani unhone bhi apna formula secret rakha hai. American businesses that seek to operate in foreign jurisdiction or enter international market must take these differences in account. To aap different country har uske country ke perspective se aapko cheeze dekhni padti hai. यहाँ पे मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। कुछ की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं जो कि प्रॉब्लम्स कह लो या चीज़ें कह लो, वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।